जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना है तो करना कहाँ है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तब यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे टाइम में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होते क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स करने का एक ऐसा तरीका है जहां पर स्मॉल इन्वेस्टर्स अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सारे पैसों को इकट्ठा करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करती है। आसान भाषा में कहूं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसों का इस्तेमाल करके एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करती है जहां पर लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और इन म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जो अपना पैसा देते हैं उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट मिलता है जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो होता है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अलग अलग कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे इक्विटी शेयर्स में किसी भी ऑप्शन में, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और उस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न्स कमाना। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ पर यह है कि आप छोटे से छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब बेनिफिट नंबर टू ये है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इन सारी चीजों का। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले या किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड मैनेजर इन कंपनी के स्टॉक्स पर थरल रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होगा तब यहाँ पर आपको भी पर्टिकुलर स्टॉक्स पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी और फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने रिसर्च प्रॉपर नहीं की तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपके जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि म्यूचुअल फंड में आप छोटे से छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मार्केट में से बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप इनिशियली 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप 200 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट में ऐसी बहुत सारी मल्टीबैगर स्कीम है जहां पर आप 500 या 1000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट पर आता है एक्सेसिबिलिटी का। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना भी काफी ज्यादा आसान है। आप लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है उस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या उस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तब भी आप अपनी डिटेल्स को भर के यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स को आप NSDL और CDSL की वेबसाइट पर भी ट्रैक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मार्केट में से बहुत सारे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे सर्टेन इंडेक्सेस होते हैं जहां पर आपको बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। नॉर्मली जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये माना जाता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तब यहां पर इस चीज का इंपैक्ट आपके रिटर्न्स पर पड़ेगा और आपको रिटर्न्स कम कमाने को मिलेंगे। लेकिन आप जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न देखते हैं ये सारे के सारे रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो को माइनस करके ही दिखाए जाते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती होगी या फंड मैनेजर को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी उस फंड को मैनेज करने के लिए, इसके लिए उस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। और नॉर्मली अगर आप इन म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखेंगे तो इन म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो लो एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड के रिटर्न से थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड का अपना अपना बेंचमार्क होता है जिसे अचीव करना होता है और यहां पर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की जाती है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर मुझे इसके अलावा कोई भी और डिसएडवांटेज नहीं दिखा। एक्चुअली एक्सपेंस रेशियो को डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके एक्सपेंस रेशियो को और आपके रिटर्न को कंपेयर करना है। अगर आपके रिटर्न ज्यादा होते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा पे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है तो यहां पर आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं। सबसे पहली स्कीम होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता होगा इक्विटी शेयर्स में, तो आपका गेस बिल्कुल भी सही है।
हैं ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर इक्विटी शेयर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, या सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में ही किया जाता है या इक्विटी शेयर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। अगर आप मार्केट में इक्विटी फंड्स के रिटर्न को कंपेयर करेंगे अदर म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ, तो यहां पर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में सेकंड इन्वेस्टमेंट करने का टाइप आता है डेट म्यूचुअल फंड्स का। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब टोटल वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिलते हैं। और अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में जब भी क्रैश आता है या मार्केट जब भी वोलेटाइल होता है तो इस चीज का इंपैक्ट यहाँ पर कम पड़ता है। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जितने तो रिटर्न नहीं कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिक अमाउंट के रिटर्न हमेशा ही मिलते हैं और प्लस आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है वो अलग। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरा इन्वेस्टमेंट करने का टाइप होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का। इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन सेम होता है, मतलब 50% इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 50% डेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले और आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी हो, तो यहां पर आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहां पर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम रिटर्न मिलेंगे, डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी काफी हद तक हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।